नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल डिशूम। अब यहाँ से देखिए, एज यू कैन रीड हियर, जो पॉइंट ये है कि अक्सर इंग्लिश न्यूज़पेपर में इन पर्टिकुलर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर आर्टिकल्स लिखते हैं, उनके एडिटोरियल्स में रेगुलर आर्टिकल्स आते हैं और वो सारा का सारा लेफ्टिस्ट एजेंडा चला रहे होते हैं। सो जस्ट आई थॉट, एक बार हमने सोचा कि क्यों ना उस एजेंडे को कंटेस्ट किया जाए, बिकॉज दे डू इट सो ब्यूटीफुली कि जो यंग माइंड्स हैं वो कई बार उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो उसको कंटेस्ट करने के लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज हियर, जहाँ पे जो भी आई विल बी टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम द आर्टिकल्स। जो हमारा रेफरेंस है वो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से होगा। तो बहुत सारे ऑलमोस्ट डेली या हर दूसरे दिन बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं, सो आई विल बी टेकिंग अप दोज आर्टिकल्स। वहाँ पे आपको आर्टिकल्स के पॉइंट्स भी पढ़वाएंगे जो उन्होंने लिखे हैं, और जो हमारा वहाँ पे कंटेंशन है, जो हम उसको कंटेस्ट करेंगे, उसके फैक्ट्स भी आपको देंगे। सो इफ़ यू फील लाइक कि हाँ ये सही, इफ़ आई एम करेक्ट देन यू शुड अप्रिशिएट इट, एंड इफ आई एम रॉन्ग समवेयर तो यू शुड करेक्ट मी थ्रू द कमेंट्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दैट्स इट। तो ये है, ये देखिए, तो ये जो आज हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं वो 13 मार्च का आर्टिकल है, एंड दैट्स रिटन बाय मिस इंदिरा जयसिंह, फेमस नेम इन द मीडिया। ठीक है, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, एंड टॉपिक ऑफ द आर्टिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू, वेलकम ऑल। इंस्टेड ऑफ सीए, गवर्नमेंट शुड डू बेटर टू साइन जेनेवा कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज। तो इट सीम्स लाइक जो इनका एजेंडा का सबसे बड़ी बात होती है कि वो ये शो करते हैं दे आर सो ह्यूमेन। उनके जो ह्यूमन वाला जो कैरेक्टर है बहुत स्ट्रांग है, ह्यूमैनिटी उनके अंदर जबरदस्त भरी हुई है। बट आई विल शो यू हाउ दे आर द मोस्ट इनह्यूमन पर्सन अकॉर्डिंग टू मी, दैट्स व्हाट आई विल ट्राई टू प्रूव हियर। मोस्ट इनह्यूमन टाइप ऑफ पर्सन्स द लिबरल्स, द सो कॉल्ड लिबरल्स जो लेफ्ट एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं, दे आर द मोस्ट इनह्यूमन पर्सन्स ऑन अर्थ, एंड आई विल शो यू हाउ एंड व्हाई। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अब इसको हमने पूरा आर्टिकल ऑफकोर्स नहीं है, लेकिन हाँ जिन पॉइंट्स को हम कंटेस्ट करेंगे वो पॉइंट्स यहाँ पर हैं। आई मैंशन द डेट, आप जा सकते हैं इस डेट में, इनका आप आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हैं। ये वो तरीका हमारा बिल्कुल नहीं है जहाँ पे हम सुविधा के अनुसार कुछ पॉइंट्स उठाएंगे और उसको देखेंगे। हाँ, जहाँ पे हमें लगा कि कंटेस्ट करना चाहिए वहाँ पे हमने पॉइंट्स उठाया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक क्लिप काटी, कहना कोई कुछ और चाह रहा था, क्लिप छोटी सी कहीं से काटी ना, एंड आउट ऑफ रेफरेंस एक पॉइंट उठा लिया और बस उसको प्रूव करने में रह गए। दैट्स नॉट इट, दैट्स आई पुट अप द डेट कि आर्टिकल किस दिन इंडियन एक्सप्रेस में आया है। चलिए देखिए, अब इनका ये कहना है, व्हाइल सम पीपल एसोसिएटेड विद द रूलिंग पार्टी एंड गवर्नमेंट हैव अनाउंस्ड दैट वंस द मैजिक फिगर ऑफ 400 MPs इज रीच्ड द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अमेंडेड, अदर्स हैव डिनाइड इट रिगार्डलेस ऑफ दिस एजेंडा सो दैट्स द बिगनिंग ऑफ द आर्टिकल हियर। तो पहली चीज हमें थोड़ा सा नाराजगी यहीं से आई, रिगार्डलेस ऑफ द एजेंडा, वेयर इज द एजेंडा हियर? क्या भारत का संविधान, जिसकी ये कसमें खाते हैं जीवन भर, या संविधान के निर्माता जो रहे हैं उनकी ये कसमें खाते हैं जीवन भर? नाउ आरंट दे रेजिंग द क्वेश्चन ऑन देयर विजडम? क्या भारतीय संविधान एक स्टैटिक कॉन्स्टिट्यूशन है या ये डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या जब संविधान के निर्माताओं ने इस संविधान को बनाते वक्त जब ये उन्होंने इस तरह के जो प्रपोजल्स रखे कि ये संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है कुछ सिंपल मेजॉरिटी से, कुछ 2/3 मेजॉरिटी से और कुछ स्पेशल मेजॉरिटी से जिसमें वह हाफ ऑफ द स्टेट्स का असेंबलीज का भी कंसेंट चाहिए, तो जब संविधान में ही अमेंडमेंट के प्रोविजन हैं और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी इन ऑन दिस लाइक लैंड, इस भारत के भूमि की सुप्रीम बॉडी कौन सी है? पार्लियामेंट। तो सारा राइट तो पार्लियामेंट के हाथ में है, तो जब संविधान के निर्माताओं ने उसको अमेंड करने का राइट दिया हुआ है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट को चूज करती है यहाँ की जनता, तो वेयर इज द एजेंडा? तो बार बार ये बात जो कही जा रही है कि ये संविधान बदल देंगे, अरे संविधान तो कितनी बार बदला जा चुका है, कितने राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, भाई फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट विच वॉज रिमूव्ड आफ्टरवर्ड्स, हटा दिया गया। तो ठीक है, तो हटाए तो गया ना,
तो रीजन व्हाट्स एवर, बट संविधान अमेंडेबल है, अमेंड उसमें किया जा सकता है. तो फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ दे स्टार्टेड विद देयर ओन एजेंडा एंड देन दे से कि जो दूसरे साइड पे हैं, जो उनको सपोर्ट नहीं करते या उनको कंटेस्ट करते हैं या जो उनके अगेंस्ट हैं, दे कॉल देम टू बी मोस्ट अनडेमोक्रेटिक एंड एट टाइम्स अ डिक्टेटर. सो आर इजेंट दिस स्टेटमेंट जो संविधान के अमेंडमेंट जो उसकी डायनेमिक है उसी को चैलेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के लिए एजेंडा चला रहे हैं, आर एंड दे अनडेमोक्रेटिक. So that's my point here. चलिए अब आगे चलते हैं. अब ये आते हैं कोर्ट्स डिसीजन ऑन द अदर, मतलब ये इन्होंने पहले रेफरेंस दिया है कि कोर्ट में वो पेंडिंग था और कोर्ट के कुछ उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे इंडियन गवर्नमेंट से. अब उसके आगे थे विजडम लाइज इन स्टेइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट. किसका विजडम? ऑफ कोर्स कोर्ट का विजडम लाइज इन स्टेइंग द एक्ट. रीजन सुनिए, रीजन, सिंस वंस सिटीजनशिप इज ग्रांटेड इट इज डिफिकल्ट टू रेस्टोर द स्टेटस को एंटे. मतलब यदि एक बार सिटीजनशिप दे दी गई अंडर CAA तो उसे छीना नहीं जा सकेगा वापस जाके. क्यों? क्योंकि देखिए उससे आगे सुनिए, बिकॉज आफ्टर ऑल इट द राइट टू हैव राइट्स, वंस यू हैव सिटीजनशिप यू हैव राइट टू हैव द राइट्स, विच राइट? इंक्लूडिंग द राइट टू वोट. तो उन्हें समस्या उसी चीज से, राइट टू वोट विच विल हैव बीन एक्सरसाइज. तो प्रॉब्लम ये है, इन्हें प्रॉब्लम इससे नहीं है कि सिटीजनशिप किसको मिल रही है, क्यों मिल रही है, किसी को नहीं मिली. इन्हें प्रॉब्लम इससे है कि इन्हें जिन्हें मिल रही है इस एक्ट में उन्हें नहीं मिलनी चाहिए. अदरवाइज जयसिंह जी ये बात क्यों लिखती यहां पर, अदरवाइज ये बात क्यों लिखती कि एक बार सिटीजनशिप ले ली गई तो वो वापस नहीं ली जा सकती. तो मतलब क्या हुआ, मतलब उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है कि बाकियों को क्यों नहीं मिल रही. उन्हें सबसे बड़ी समस्या जिन्हें मिल रही है उन्हें क्यों मिल रही है. तो चलिए उसमें भी आएंगे कि इन्हें क्यों मिलनी चाहिए ही चाहिए. आई विल कम टू दैट पॉइंट. ठीक है, तो खैर अच्छा दूसरी बात, वो उन्हें पहले मतलब देखिए माइंडसेट देखिए आप, वॉट हैव यू डन फॉर दैट कम्युनिटी हु हैड बीन रेगुलरली प्रोसिक्यूटेड देयर, जिनके ऊपर लगातार अत्याचार हुआ है, जिन नेशंस को यहां पे मेंशन किया गया इस एक्ट में, कौन से नेशन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश. आपको डेटा से बताएंगे वहां कितनी पॉपुलेशन थी नॉन मुस्लिम्स की, आज क्या हालत है. तो लगातार जिन पर अत्याचार हुआ है उनके लिए तो आज तक इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई. हाँ आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे जब हमास पे कार्रवाई होती, गाजा के लिए आवाज उठाएंगे. लेकिन उसी जगह जब चाइना में चाइनीज आर्मी अत्याचार करती है उगर्स पे जो मुस्लिम्स हैं, तब आवाज नहीं उठती है. सो सी इट्स लाइक कि कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मामला चलेगा. ठीक है, तो कहाँ आवाज उठानी है कहाँ नहीं उठानी है ये इनकी कन्वीनियंस पे है. तो खैर बात ये है कि सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए, बात सीधी सी है. अदरवाइज दे शी शुड हैव लाइक सिंपली सेड, या ये बहुत सरलता से कह सकती थी कि भाई ठीक है जब गवर्नमेंट का आएगा या सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्ट करे गवर्नमेंट को कि इनको तो जो मिल रही है चलो ठीक है लेकिन बाकियों को नहीं मिल रही है उसको भी इंक्लूड करें. तो बात ये नहीं है कि उनको भी इंक्लूड करें, बात ये है जिन्हें मिल रही उन्हें नहीं मिलनी चाहिए. रीजन सिंपल है, दे डोंट बिलोंग टू द कम्युनिटी हुम दे स्टैंड फॉर. जिस कम्युनिटी के लिए वो स्टैंड करते वो उसको वो लोग बिलोंग नहीं करते, बात सीधी सी है और कोई समस्या नहीं है यहाँ पे. खैर अब आगे देखिए, द CAA टू एनेबल्स द ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन इलीगल इमिग्रेंट्स. तो देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो आई विल टेक ऑफ दोस पॉइंट्स. ठीक है, तो इलीगल इमिग्रेंट्स देखिए है ना, डबल उसमें कोर्ट में लिखा हुआ है इलीगल इमिग्रेंट्स. जब रोहिंग्याज आते हैं म्यांमार से तब ये इलीगल इमिग्रेंट्स डबल कोर्ट में नहीं लिखा जाता है. जब बांग्लादेशी आए या आ रहे हैं या आते हैं, डेमोग्राफी चेंज होती है, तब इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं लिखा जाता है. तब बात कर दी जाती है मानवता की, तब बात किया थी मानवता की, भारत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उन्हें आने देना चाहिए. रोहिंग्यास वो क्या, वहां कभी आप जाइएगा उसके इतिहास पे कि रोहिंग्यास के अगेंस्ट म्यांमार ने जो ऑपरेशन चलाया जिसके बाद रोहिंग्यास भागे, सबसे बड़ी बात है बांग्लादेश ने उन्हें अपने यहां घुसने नहीं दिया, मर गए लोग क्रॉस करने में, बॉर्डर क्रॉस करने में, सी रूट से आने में कई लोग डूब के मर गए, उन्हें घुसने नहीं दिया बांग्लादेश ने, नहीं घुसने दिया. सेम कम्युनिटी नो, नहीं घुसने दिया, किसी और ने नहीं लिया, भारत को लेना चाहिए. आप एक बार जाके पढ़िएगा कि स्टार्ट कहां से हुआ, तो हाउ ब्रूटली दे किल्ड द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट देयर इन म्यांमार. और तब रिटेलिएशन में ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था. जस्ट टू गिव यू अ वेरी ब्रीफ आइडिया ऑफ द
इस बिगनिंग ऑफ दिस थिंग, जहां से रोहिंग्या रेफ्यूजी बने जो भारत में बहुत सारे आए और जिनको इन्हीं तथा कथित लिबरल्स ने सपोर्ट किया, उनको उनके उनके रहने का इंतजाम किया, उन्हें भारत भर में फैलने में हेल्प की। तो खैर, इलीगल इमिग्रेंट्स वो नहीं होते, बांग्लादेशी नहीं होते। बांग्लादेशी जब बात आती है इलीगल इमिग्रेंट्स की, तो यूपीए गवर्नमेंट में जो श्री प्रकाश जायसवाल, जो कानपुर से ही एमपी रहे हैं, ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन होम मिनिस्ट्री, उनका स्टेटमेंट है जुलाई, इफ आई एम करेक्ट, इस ऑन जुलाई 14, 2004, लेट मी जस्ट चेक द डेट इफ आई कैन गेट इट। ठीक है, तो उनका ये स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स और बांग्लादेशीज इन द लैंड ऑफ इंडिया, जुलाई 2004 का स्टेटमेंट है, जुलाई 14 का। इससे उन्होंने कहा था कि लगभग भारत में 12 मिलियन बांग्लादेशी हैं, इंडियन नहीं है, बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या माइग्रेंट्स हैं। ठीक है, 12 मिलियन मतलब लगभग 1.25 करोड़, जिसमें से 5.7 मिलियन सिर्फ वेस्ट बंगाल में है। वही 2016 में जब होम एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जब ये डेटा देती है, तो 2 करोड़ 20 मिलियन ये डेटा बढ़ के नंबर 20 मिलियन का हो चुका है। बट दे हैव नेवर शोड एनी कंसर्न कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो यहाँ क्या कर रहे हैं, उनको बाहर क्यों नहीं भेजा जाता है। डेमोग्राफी में जो चेंज हुआ है, लेट मी क्विकली टेल यू फ्यू पॉइंट्स हियर। डेमोग्राफी में चेंज, वेस्ट बंगाल का आप डेटा उठाइए 1951 से 2011 सेंसस का, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें बढ़ते हैं 5 गुना, उसमें जो राइज है वो 5 टाइम्स का है, बल्कि ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ी है 3 टाइम्स वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन बढ़ी है, बट मुस्लिम पॉपुलेशन 5 टाइम्स बढ़ी है। ठीक है, तो कहां से आए, हाउ दैट डेमोग्राफी हैज चेंज सो लाइक वास्टली, इतना बड़ी जो चेंज हुआ है कैसे हुई है। तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स इनको कहा जा रहा है, उनके लिए कभी ये शब्द ये लोग प्रयोग नहीं करते, जो वो इलीगल हैं वो भी तो इलीगल ही हैं ना दोस्तों। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। खैर, तो अब मैं बांग्लादेश हु एंटर्ड इंडिया ऑन बिफोर दिसंबर, ठीक है, द एक्ट एक्सक्लूड्स मुस्लिम्स फ्रॉम इट्स प्रिव्यू एंड दस डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट देम बेस्ड ऑन देयर रिलीजन अलोन, इट हैज बीन एलेज्ड इन द पब्लिक डोमेन बाय द गवर्नमेंट दैट द एक्ट इज बेस्ड ऑन गिविंग फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड पर्सन, बट देयर इज नो मेंशन ऑफ परसिक्यूशन इन द स्टैट्यूट और रूल्स, नॉर इज एनी प्रूफ ऑफ परसिक्यूशन कॉल्ड फॉर बाय द रूल्स प्रायर टू द कन्फर्मेंट ऑफ सिटीजनशिप। मतलब यहाँ पे ये हुआ, चलिए इसमें देखिए एक पॉइंट हम यहाँ से उठा लेते हैं कि इन्होंने ये यहाँ पे ये कहा कि भैया इनसे आप इन पे अत्याचार हुआ है, इनको कष्ट ये है, ये चाहते हैं कि भाई अत्याचार हुआ है उसके ना उसका प्रूफ मांगा जाए, है ना। सो ह्यूमन, सच अ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इजंट दैट, है ना, कि वो हर आदमी बताए कि उसकी महिला के साथ वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पुरुषों को कितना पीटा गया है, कितने रिलीजियस कन्वर्जन फोर्सिबली करवाए गए हैं, क्या क्या उन पे गुजरी है, वो प्रूफ दें। और प्रूफ कौन देगा, हाउ विल दे गिव प्रूफ, क्या कोई सरकार पाकिस्तान बांग्लादेश या आपके अफगानिस्तान की सरकार बताएगी, हाँ एक्सेप्ट करेगी कि हाँ हमने प्रूफ दिया है, हमने प्रूफ, हम ये प्रूफ देने कि हाँ यहाँ पे इन पे इतना इनका इनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है और जाओ यहाँ पे आप सिटीजनशिप ले लो आके। सच अ रबिश स्टेटमेंट इजंट दैट, कितना इनह्यूमन स्टेटमेंट है। एंड देन दे से दे आर लिबरल्स, मतलब वो प्रूफ, अच्छा प्रूफ के लिए चलिए डेटा से बात करते हैं। प्रूफ ऑफ प्रोसिक्यूशन पे बात जब आती है, तो देखिए 1950 में जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी बांग्लादेश में 23% थी, आज जो लेटेस्ट है वो 9% है, 23% से 9%। ओके, पाकिस्तान में लगभग 20% थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जो कि 1950 तक वैसे उन्होंने मार काट के काफियों को निकाल दिया था, तो वो लगभग 3.5-4% रह गई थी, बट आज भी वो 3-4% के बीच में है, बट नाउ दे हैव इंक्लूडेड अहमदियाज इन दैट, अब उन्होंने अहमदीज को उसमें ऐड कर दिया है नॉन मुस्लिम में, बट जब पार्टीशन हुआ था 1950 में तब अहमदीज उसमें नहीं थे, देवर मुस्लिम, वेरी वेल मुस्लिम देयर, कब ऐड नॉन मुस्लिम, देखिए गजब देखिए, मुस्लिम में दे हैव द राइट टू डिक्लेयर समवन नॉन मुस्लिम, ऐसा कोई भारत में सनातन धर्म में है कहीं ऐसा कि वो डिक्लेयर कर दे कि ये पर्टिकुलर आज से सनातन धर्म में नहीं रहेंगे, यहाँ से नॉन हिंदूज हो गए, मतलब गजब है, लेकिन चलिए है वहाँ पे। 1974 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया,
और अहमदीज को, अहमदियाज को वहां पे नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। तो जब 1950 में थे तो 3.5, अब अहमदीज जो हैं, जो अहमदियाज हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, तब वो लगभग उतने परसेंट पे है। तो पॉपुलेशन के परसेंटेज में वहां डिक्लाइन है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट अब भारत में देखिए, 1951 में हिंदूज की पॉपुलेशन 84% थी, मुस्लिम्स की 10% थी, और 2011 में हिंदूज की पॉपुलेशन लगभग 80% है और उनकी 14.2% है। तो ये जो डेटा है 23% से 9% रह गए, क्या ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है कि वहां पे नॉन मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, क्यों वो पॉपुलेशन घट रही भाई? और यदि इन्हें प्रूफ चाहिए तो खैर दानिश कनेरिया यदि बोलेगा, आई होप एंड आई विश आप सब लोग दानिश कनेरिया को जानते होंगे, दानिश कनेरिया यदि बोलेगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, आप जाइए उसके ट्विटर प्रोफाइल पे, एक्स प्रोफाइल पे, और आप देखिए आके उनके ट्वीट्स या उसने जो वीडियो बनाए हैं। नाउ ही इज बाउंड, ही इज अ वेरी लाइक सेलिब्रेटेड स्पिनर ऑफ पाकिस्तानी नेशनल टीम, नेशनल टीम में खेला हुआ बंदा है और एक सेलिब्रेटेड स्पिनर और क्रिकेटर रह चुका है पाकिस्तान का। आज हालत ये क्यों पाकिस्तान में नहीं है, ही हैड टू लीव पाकिस्तान, वो यूके में रह रहा है, क्यों? क्योंकि आप जाइए ना उसको पढ़िए आके, वो सब कुछ उसने बताया, क्या क्या उसने फेस किया है, क्या क्या उसने ड्रेसिंग रूम में फेस किया, कितने प्रेशर को फेस किया है। आई कैन गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, यूसुफ यूहन्ना, ही वॉज अ क्रिश्चियन ना, आप ये देखेंगे यूहन्ना, यूसुफ यूहन्ना नहीं है वो, शायद यूसुफ खान बन गए हैं, ठीक है, वो ये बड़ी बड़ी दाढ़ी बना के क्रिकेट खेलते बाद में। तो why did they convert and why are they being asked to convert, कोई persecution नहीं है, but she want कि वहां की जो आए हैं वो बताएं कि उनकी महिलाओं के साथ वहां क्या हो रहा है और फिर उसका प्रूफ भी दें, है ना, और तब सिटीजनशिप दी जाएगी। बट रोहिंग्यास आए तो सिर्फ ह्यूमन अप्रोच पे, वो उन्हें प्रूफ देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बांग्लादेशी आते हैं, उन्हें तो वहां पे तो कोई भाई मुस्लिम वहां से भाग के बांग्लादेश से आ रहा है तो उसे क्या आवश्यकता है, वहां कहां प्रोसिक्यूशन हो रहा है, कहां पे अत्याचार हो रहा है, बट वाई आर दे कमिंग, बट उसके लिए भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्ट भाई इंसान है, भारत का दिल बड़ा होना चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू नॉन मुस्लिम दे नीड प्रूफ, प्रूफ दो भाई, सो दैट्स इट। तो ये इनका एजेंडा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वन वंडर्स, देखिए स्टेटमेंट, वन वंडर्स वेदर द सेम लिबरल अप्रोच टू प्रूफ ऑफ रेजिडेंस वुड बी यूज्ड फॉर पर्संस क्लेमिंग टू बी इंडियन सिटीजनशिप व्हेन द एनआरसी इज प्रिपेयर, जब नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप प्रिपेयर किया जाएगा, तो इनका ये कहना है क्या इतनी ही लिबरल अप्रोच रहेगी डॉक्यूमेंटेशन में। तो अब हमारा ये कहना है कि ये जो लिबरल्स हैं, तथाकथित लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल्स या लेफ्टिस्ट हैं, जो अपने को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं, इनसे हमारा ये कहना है दे कुडेंट अटर अ सिंगल वर्ड, एक शब्द आज तक इनके मुंह से नहीं, जुबान से नहीं निकला जब कश्मीर में एग्जोडस हुआ था 90s में। कश्मीरियत की बात करते हैं बट देयर कश्मीरियत, बहुत नहीं, कितना कॉमन वर्ड है, कश्मीरियत की रक्षा होनी चाहिए विदाउट नॉन मुस्लिम्स, कश्मीरियत हटा दो सारे नॉन मुस्लिम, अब कश्मीरियत, कभी इन्होंने उन कश्मीरी पंडितों की बात की जिनको तो भारत में मॉडर्न डे इंडिया में अपने ही देश में रेफ्यूजी बन के रहना पड़ रहा है अलग अलग स्टेट्स में, ना उसके लिए इन्हें कोई बात करने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है जब इतने इलीगल इमिग्रेंट्स, अच्छा चलिए 2016 में जब मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये डेटा दिया 2 करोड़ बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स यहां पर हैं, तो मैं कह सकते हैं ये तो एजेंडा है, बट जब इन्हीं की सरकार थी, इनकी सरकार मतलब इन्हीं द्वारा पोषित और समर्थित सरकार थी, कौन सी, जब श्री प्रकाश जायसवाल जी ने ये डेटा दिया था कि लगभग 1.25 करोड़ बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो जब हैं तो क्या किसी से कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, क्या किसी से कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा? और यदि एनआरसी लगना है तो भैया जिनको, मतलब कितनी मूर्खता की बात है ये कि जिसको सिटीजन, जब एनआरसी बनेगा रजिस्टर वो तैयार होगा, तो जिनको सिटीजनशिप दी जा रही है, इसीलिए तो दी जा रही है कि जब एनआरसी बने तो जो इलीगल हैं, दोज हु डोंट बिलोंग टू दिस लैंड, जो इस धरती के हैं ही नहीं, उनको यहां से हटाया जाए,
लेकिन जो जो इस धरती के हैं, भारत के, अखंड भारत के जो प्राणी हैं, जिनके, देखिए बात सीधी सी है, मतलब एक लॉजिक है, चलिए खैर अभी उस पर भी आएंगे कि जो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो गया, हिंदू, सिख, जैन एंड बौद्ध, ये चार तो कम से कम ऐसे हैं जो इसी धरती से आए हैं, भारत की भूमि में ही हैं, बाकी बाहर उनके धर्म का, उन धर्म तो है ही नहीं, रिलीजन, उन बाकी के रिलीजन्स का जहां भी कहीं पे शुरुआत हुई है वो भारत की भूमि नहीं थी। दे आर नॉट द नेचुरल पर्सन हु बिलोंग टू दिस लैंड। और यदि सिख को अत्याचार होगा तो कहां जाएगा? आप याद करिए, ज्यूज पे कहीं भी अत्याचार हुआ, जब ईस्ट यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, वेस्टर्न यूरोप में हुआ, अफ्रीका में हुआ, कहां गए भाई? इज़राइल वॉज द ओनली नेशन हु टुक देम। अब यही लॉजिक यदि इज़राइल पे लगा दें तो साला वो तो पूरा अरब का नेशन, पूरा पूरा अरब जो वर्ल्ड है वो इज़राइल के अंदर घुस गया होता, क्योंकि वहां तो हमेशा ही समस्या है भाई। इराक में जबरदस्त अत्याचार है, ईरान इराक मारकाट मची हुई है, आज आप हालत देखिए यमन की, है ना, हालत देखिए सीरिया की, लबनन की, तो भाई वहां तो बहुत गजब हालत है, लोग भूखे मर रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, एक दूसरे को मारे काटे डाल रहे हैं। इसी लॉजिक से चलते तो पूरा का पूरा अलग जो पॉपुलेशन है, आधी पॉपुलेशन वो तो इज़राइल में घुस गई होती है ना, लेकिन जी उसको नहीं आने देना चाहिए था, या सबको आने दो, इज दैट द लॉजिक? अरे भाई जो यदि मुस्लिम्स पे अत्याचार हो रहा है तो उनके लिए तो 58, 57, 50 के ऊपर नेशन है ना, वो आर डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट, वहां क्यों नहीं जा रहे? एंड वाई आर दे नॉट रेडी टू टेक? गाजा में इतना बड़ा हमला हुआ, इतनी समस्या है, इतना सबको कष्ट है, लेकिन एक मुस्लिम नेशन जिसने एक भी गाजा के रेफ्यूजी को लेने के लिए हाँ करो, हाँ आ जाओ, दरवाजे खोल दियो। लैंड की कमी है क्या इजिप्ट में? अरे सर जमीन ही जमीन है, या ईरान में, या कहीं लेबनन में, कहीं नहीं है, बट नो वन इज टेकिंग, वाई? और ना ये हमारा एक क्वेश्चन है, एंड इफ एनी वन कैन आंसर इट आई विल रियली अप्रिशिएट इट। हमारा एक पॉइंट हमेशा रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी है, बट ओबीसी नहीं है। ओबीसी मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज, है कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन? या ओसीसी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कंट्रीज, है ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन? वाई देयर इज ओनली वन सच रिलीजन जिसके सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 50 के ऊपर देश हैं जहां पे वो मेजॉरिटी में है, एंड दे रूल इट अकॉर्डिंग टू शरिया और क्लोज टू इट, बट स्टिल दे नीड एन ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। बुद्धिस्ट नेशन भी तो है ठीक ठाक, क्रिश्चियन नेशन तो बहुत सारे, क्यों है? आज तक इसका आंसर नहीं पता, बट जब आता है शरणार्थियों को लेने का, दे आर नेवर रेडी टू टेक, कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ भारत को लेना चाहिए। और जब शरणार्थी निकालने की बात आए तो इतने ही वन वंडर्स, इतनी ही लिबरल अपोज, दैट्स व्हाट शी सेइंग, मतलब उनका ये कहना है इतनी ही लिबरल अपोज रखनी चाहिए, जब एनआरसी चेक हो भैया कोई ये दिखा दे, हाँ हम यहां पे 10 साल पहले आए थे और हम यहीं रहेंगे, क्यों रहेंगे? क्या पे अत्याचार हुआ है वहां पे? सिर्फ डेमोग्राफी चेंज करने के लिए इसलिए रहेंगे? वाई? इफ यू बिलोंग टू दिस नेशन, हिंदूज और सिख, डिड दे डिमांड फॉर सेपरेट नेशन? क्या उन्होंने पाकिस्तान का डिमांड किया तो पाकिस्तान में चले गए, ये रह गए? नो, दे डिडंट डिमांड इट, उन्होंने नहीं डिमांड किया था ना? कितनी आसानी से जब ये लोग ये मतलब ये जब पॉइंट देते हैं तो कितनी आसानी से भूल जाते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश रिलीजियस लाइन पर बना था, धर्म के आधार पर बना था, एंड जो वहां पे मेजॉरिटी में उन्होंने डिमांड किया था, नो वन शुड फॉरगेट द कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन डे। हु गेव दैट कॉल? वॉज दैट द हिंदू साइड, द अदर साइड, और द मुस्लिम साइड? किसने कॉल दी थी? तो जब भैया बना ही वो धर्म के आधार पे है तो वहां पे मुस्लिम यहां पे क्यों बुलाए जाए? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए अपार्ट फ्रॉम प्रेजेंट द फेडरल स्ट्रक्चर, क्या बात है, फेडरल स्ट्रक्चर हैज बीन सेंट्रलाइज्ड प्रायर टू दिस रूल्स। इनका ये कहना है कि भैया स्टेट का से होना चाहिए ये डिसाइड करने में, क्या ये हो सकता है? भारत में किसको नागरिकता दी जाएगी क्या स्टेट डिसाइड करेगा? तो हो चुका, फिर तो ममता बनर्जी जी चाहेंगी कि सारा के सारा बांग्लादेशी मुस्लिम इधर आ जाए, उनका वोटर वो जीतती रहेंगी। स्टालिन जी जो कहते हैं या उनकी पार्टी का आदमी कहता है कि हम तो सेपरेट हमें नेशन चाहिए, है ना, वो तो कहेंगे भैया सबको बुला लो, हमारी मर्जी, हम नहीं देंगे किसी और को सिटीजनशिप,
ये कब से स्टेट का राइट हो गया? प्रोसीजरल राइट नहीं है स्टेट का, जो प्रोसीजर है उसमें उनका एक सपोर्ट सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया। और जब उसे पता है उसको ये नहीं करती, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो सिर्फ एजेंडा चलाने के लिए, इतनी नफरत है नॉन मुस्लिम्स पर्टिकुलर हिंदू से, कई ऐसे लोगों को जिनकी सरकारें चल रही हैं कि वो कभी बनने ही नहीं देते। और कितनी संख्या है जिसके लिए इतना कष्ट, मुश्किल से 40,000 लोग हार्डली, और इतना कष्ट सबको। और यहां पे 2 करोड़ का डेटा भारत की सरकार दे रही है लीगल इमिग्रेंट, उस पर कोई बात नहीं किसी की, कोई बात नहीं किसी की। चलिए खैर, फेडरल स्ट्रक्चर को भी उन्होंने दांव पे लगा दिया अपने, इसमें आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आउट दैट द एक्ट वॉयलेट्स आर्टिकल 14 इन दैट इट डिनाइज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इट इज वर्थ रिकॉलिंग दैट आर्टिकल 14 अप्लाइज नॉट जस्ट टू सिटीजंस बट ऑल टू ऑल द पर्संस ऑफ हु आर करंटली इन इंडिया या इन भारत, जो भारत की धरती पर रह रहे, दैट सी डिनाइज इक्वल बेनिफिट ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 को लेकर आती हैं। देखिए मतलब गजब है हाल, क्या ये मतलब किसको बेवकूफ बनाते हैं लोग। अच्छा कई बार जब बच्चे पढ़ते होंगे या जो बिल्कुल यंग फ्रेश माइंड है, उनको लगता है बात तो यार सही कह रहे हैं, आर्टिकल 14 का मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ है, सबके लिए, बिल्कुल सही बात है। क्या भारत में स्पेशल प्रोविजंस नहीं है बट किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए? क्या स्पेशल प्रोविजंस नहीं है क्लास के लिए? क्या नहीं है? जब इनकम टैक्स का स्लैब बनता है तो क्या आर्टिकल 14 देख के बनता है? रिजर्वेशन दिया जाता है तो क्या आर्टिकल 14 लगता है? मतलब कितने सारे अगेन स्टेट्स के जो स्पेशल स्टेटस हैं, स्टेट के रीजन्स के स्पेशल स्टेटस हैं, तो क्या आर्टिकल 14 लगाएंगे? यही आर्टिकल 14 इन्हें 370 जब लगा था तो क्यों नहीं याद आया, और जब हटा तो इतना ह्यू एंड क्राई, इतना हल्ला जो मचाया इन्होंने, तब इन्हें ये आर्टिकल 14 नहीं याद आया। और जब आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं तो क्या इन्हें नहीं पता? एंड सी सो कन्वीनियंटली दे गिव दैट लिबर्टी टू देमसेल्फ कि दे फॉरगेट, भूल गए। क्या ये भूल गए कि जितने ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं वो सारे के सारे, मतलब ऑलमोस्ट 90% जो 40,000 का फिगर है या उससे थोड़े कमी होंगे जिन्हें सीए से सिटीजनशिप मिलेगी, उसमें से 90% से ज्यादा SC ST कम्युनिटी के, हु कुडंट अफोर्ड टू लीव देयर लैंड, जो उस वक्त नहीं छोड़ के आ सके क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्हें रुकना पड़ा और सब कुछ अत्याचार झेलना पड़ा। कई तो कन्वर्ट हो गए, बहुतों तो मर गए ना, लेकिन इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। इन्हें आर्टिकल 14 चाहिए, बाकी जगह नहीं चाहिए। कश्मीर में बिल्कुल नहीं चाहिए था आर्टिकल 14, जहां पे इक्वल राइट्स वीमेन के लिए भी नहीं थे, बट ना वहां इन्हें कोई कष्ट नहीं था। इक्वल राइट्स वहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं था शेड्यूल कास्ट का, उन्हें कोई कष्ट नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, लेकिन यहां पे कष्ट है। तो खैर चलिए, वही एजेंडा, दैट द सेम थिंग। To give benefits of citizenship to persecuted minorities in these 3 countries seems like nothing more than a cover to favor Hindus, since it is known that in those very countries Muslims belonging to it also are prosecuted. देखिए अब इसमें फिर से यहां पे आता है इनका just a minute, यहां पे देखिए ये जो अब इनका जो असली दर्द है वो सामने आता है, the real pain. You can see here. असली दर्द आपको यहां दिख रहा है। दर्द क्या है? दर्द देखिए, to favor Hindus, ये दर्द है। Hindus को कैसे, मतलब आपने सिर्फ हिंदू को कैसे citizenship दे दी? भाई आप मुस्लिम को दे दो, रोहिंग्यास को दे दो, बांग्लादेशी को, कोई कष्ट नहीं। आज यदि भारत सरकार कह दे कि जितने 2.5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी हम सबको citizenship दें, भाई साहब आप देखिएगा एक आवाज नहीं उठेगी इनकी तरफ से। समस्या है हिंदू को देने में 40,000, उनका कष्ट क्या है? 40,000 का मतलब 40,000 वोट है, उन्हें पता किधर जाना है। 40,000 वोट से कोई फर्क पड़ेगा ना? सेंटीमेंट से फर्क पड़ता है, सेंटीमेंट से फर्क पड़ता है, एंड दे नो सेंटीमेंट्स किधर है, दे नो इट। ठीक है, ठीक है, तो कष्ट वही है। देखिए ये है असली दर्द, हिंदू को फेवर कर दिया। जब वक्फ एक्ट पास हुआ, इतना इलॉजिकल एक्ट, तब किसको फेवर किया गया? और तब क्या यह बात उठी कि किसी को फेवर किया जा रहा है? जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ तो किसके लिए, किसको अपीस करने के लिए पास हुआ था?
तब क्या यह बात उठी कि किसी को फेवर करने के लिए बनाया गया है? या रिसेंटली कर्नाटका में जो टेंपल्स पे 10% का टैक्स लगाया गया, गजब है भाई। भारत में ये सिर्फ सनातन धर्म के अगेंस्ट हो सकता है। आज तक क्या इन्होंने किसी भी मस्जिद या चर्च पे कोई टैक्स लगाया? नहीं लगाया। बट कर्नाटक गवर्नमेंट ने, जो कि ऑब्वियसली कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहीं से तो ये सब बातें, जो वही तो वो जोन है ना जहां से बातें चल रही है सनातन, है ना, कि इरेडिकेट सनातन धर्म, टेम्पल पे टैक्स लगाया गया। डिड दे स्पीक एनी थिंग अगेंस्ट दैट? इवन क्योंकि हम तो रेगुलर पढ़ते हैं, यही लोग जो संदेश खली में हुआ वेस्ट बंगाल में, एक शब्द नहीं फूटा इनके मुंह से। समस्या यही है, हिंदूज को कैसे इंक्लूड कर लिया? हिंदूज को ना इंक्लूड करते, मरते रहे कुछ भी हो जाए उनकी महिलाओं के साथ, संदेश खली में जो भी हो जाए, क्योंकि हिंदू पार्टी थी, दलित भी थे, एससी थे, उससे नहीं फर्क पड़ा। क्योंकि करने वाला प्रिपरेटर जो अत्याचारी था, वो किस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, वो समस्या आ गई ना। ये है समस्या, ये है असली दर्द यहां पे। अब आगे, a known fact that in those very countries Muslim belong to different sects too are persecuted. अब ये देखिए, मतलब कितना मूर्ख समझते हैं ये। different sect के Muslims, I accept, जबरदस्त वहां पे अत्याचार है। even सुन्नी है तो शियास को मार काट रहे हैं, अहमदियास को तो उन्होंने खैर मतलब काफिर ही डिक्लेयर कर दिया। बट जब भारत का विभाजन हुआ था तो क्या अहमदीस या अहमदियाज हैं, डिडंट दे वोट फॉर पाकिस्तान? भाई तब तो वो मुस्लिम थे ना। बात वही है, जो लोग जिनको आज सीए में सिटीजनशिप दी जा रही है, ये वो नहीं थे जिन्होंने पाकिस्तान या बांग्लादेश की डिमांड की थी, उसके लिए लड़ाई की थी। आज जिस सेक्ट की बात जयसिंह जी कर रही हैं या मुस्लिम के डिफरेंट सेक्ट की बात कर रही हैं, वो वही थे जिन्होंने वो धर्म के आधार पे वो लैंड, वो जो टुकड़ा जमीन का लेकर गए थे अपने साथ। और बात ये है कि क्या मुस्लिम को सिटीजनशिप नहीं दी जा रही है? अरे नॉर्मल प्रोसीजर तो है ही सिटीजनशिप, आप आओ लो, जिसमें 10-11 साल का नेचुरलाइजेशन है, आपको रहना होगा, फिर आप लेंगे, लोग ले रहे हैं, लेते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश लोग लेते हैं, हर जगह होता है। तो क्या सिटीजनशिप नहीं दी जा रही है? ऐसा तो नहीं है, दिया दिया उसका तरीका है। बट नहीं, इन्हें समस्या यह है कि हिंदू उसको क्यों दे दी गई, ठीक है? और वो तो उनका देश है, और उनके उनके पास जाने के तो 50 देश हैं, हिंदू कहां जाएगा भाई, कहां जाएगा? एक ही धरती है, नेपाल भी था, है ना, लेकिन उसकी भी कहानी कभी वक्त रहेगा तो बताएंगे। उसको भी हिंदू स्टेट से सेकुलर स्टेट, सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट में डिक्लेयर कन्वर्ट कर दिया गया, उसकी भी इतिहास है, चलिए खैर उस पर बाद में। अब आगे बढ़ते, अदर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट सीए डज नॉट एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ फास्ट एक्सटेंशन प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इन द नेबरहुड कंट्रीज सच दैट म्यांमार एंड श्रीलंका वेयर द रोहिंग्यास, रोहिंग्यास की हमने स्थिति आपको पहले बता दी, आप थोड़ा सा जाइए उस पर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा कि रोहिंग्यास कितने बेचारे हैं, उन्होंने क्या कर्मकांड वहां पे किए हैं और तब उनके अगेंस्ट एक्शन हुआ। हाँ, ये बात हम यहां पे मानते हैं, इवन दोस हु स्ट्रांगली फेवर सीए वो भी शायद इस बात पे विचार करें कि हाँ तमिल्स को इंक्लूड कर सकते थे जो श्रीलंका में जिन पे अत्याचार हो रहा है, उनको कुछ वो एक चांस दे सकते थे। ये बात यहां पे हम मानते हैं, ये बात मानी जा सकती है और इस पर हम कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अफेज जनवा क्वेश्चन, रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज, डेमोंस्ट्रेट द कमिटमेंट द प्रोसिक्यूटेड एंड स्टॉप प्रोसिक्यूटिंग इट्स ओन माइनॉरिटीज, फेलिंग दिस द सीए विल बी सीन एज अ प्रोजेक्ट टू एस्टैब्लिश हिंदू नेशन। समस्या देखिए, ये समस्या हिंदू नेशन। अच्छा, जब इन्हीं के समर्थित और पाले हुए पोषित, जो पाले पोसे गए जो नेता हैं कमलनाथ, जब मध्य प्रदेश के इलेक्शन होता है, उनसे पूछा जाता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, तो वो कहते वो तो है ही है, वो कहते तो है ही भाई, जब 80% के करीब हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र तो है, समस्या इन्हें हिंदू नेशन से है। अच्छा, ये देखिए कितना, मतलब आप समझिए, जो भी ऐसा एजेंडा चलाता है, आई एम चैलेंजिंग एनीवन, कैन दे एवर कम आउट विद अ डेटा विच शोज की प्रोसिक्यूटिंग इट्स ओन माइनॉरिटी, जहां पे माइनॉरिटीज, जिसमें ऑफकोर्स इन्हें माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी से मतलब है, उनके अगेंस्ट कोई मतलब अत्याचार हुआ है,
इतने मूर्ख बनाते हैं ये लोग, आज तक इनकी हिम्मत हुई राहुल गांधी या उनको समर्थित जितने भी ये सब लोग हैं, बहुत सारे नाम है, आई वोंट टेक नेम्स हियर, कितना पूछते हैं आजकल क्या चल रहा है ओबीसी, अरे इनकी हिम्मत है कि इस भारत सरकार से डेटा मांग ले कि जो बेनिफिशियरीज हैं सेंट्रल स्कीम के, जो 12 करोड़ से ऊपर घर बने हैं, टॉयलेट्स बनी हैं, 3-4 करोड़ के करीब घर बने हैं, जनधन अकाउंट 40 करोड़ खुले हैं, सिलेंडर दिया गया है 10 करोड़ के आसपास सिलेंडर है, नल से जल योजना, सो मैनी थिंग्स, 80 करोड़ को जो फ्री राशन मिला, इनकी हिम्मत है कि मांगे आरटीआई डालें और निकलवाएं डेटा कि किसको क्या मिला? नहीं, आज तक आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि वो डेटा निकल आया तो सारा एजेंडा खत्म। ये जो बार बार माइनॉरिटीज के पे अत्याचार की बात करते हैं या दलित और ओबीसी की बात करते हैं, ठीक है, जो डिवाइड हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं तो उन्हें डिवाइड कर दो, बाकी को एक जगह ऑर्गेनाइज करो, दैट्स द पॉइंट है। यदि ये इतने ही चिंतित होते तो एक बार डेटा निकलवाते ना, हर चीज का तो डेटा ये चाहते हैं, इसका डेटा आज तक क्यों नहीं निकलवाया इन्होंने? क्योंकि एक भी पार्शियलिटी का कोई भी इल्जाम लगा नहीं सकता सरकार पे, तो फैक्ट तो है नहीं, बस माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है, फैक्ट है। चलिए, आई विल विश दोज हु आर सीइंग दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी फैक्ट प्लीज शेयर इट विद मी, आई विल अप्रिशिएट दैट। आज तक हमें कोई भी फैक्ट दे नहीं पाया है। चलिए खैर, चलिए, सो आई थिंक विद दैट इट्स द एंड हियर। तो ये एक पहला वीडियो था जो इंदिरा जयसिंह जी हैं उनके आर्टिकल पे, ऐसे वीडियोस हम बनाते रहेंगे, ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सपोज देम, जिन जो हमारे व्यूज को कंटेस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली दे शुड शेयर विद मी, और जो इसे सपोर्ट करना चाहते हैं दे शुड शेयर दिस वीडियो अमंग द पर्सन्स। चलिए, विद दैट आई विल टेक यू लीव। जय हिंद, वंदे मातरम।